जो परसेंटेज है ऊपर बढ़ती हुई जा रही है। स्कारलेट एंड ओवर अभी भी ब्लू जोन के जूझ रही है, सर्कल का फायदा नहीं उठा पाएंगे, बट ओ जी द विनर फॉर द गेम। बट अभी के लिए एलिमिनेशन उनको सामना करना पड़ेगा, बट उन्होंने ढेर सारे फिनिशेस निकाले हैं, यहाँ पर अच्छी खासी पोजीशन भी कमाई है, ढेर सारे पॉइंट्स जरूर लेकर जाएंगे टॉप थ्री टीम्स। यहाँ पर स्कारलेट के जो गमला बॉय हैं वो तो ब्लू जोन के अंदर अलग ही मशक्कत कर रहे हैं, बट अब जो असली फाइट होगी 4v3 एक्सो वर्सेस सोल, किस तरीके से फाइट लेंगे देखना है, क्योंकि दोनों के पास सर्कल का बराबर एक्सेस है। हेक्टर जिस तरीके से अप्रोच करेंगे मुझे लगता नहीं कितनी आसानी से नॉक होते हुए दिखेंगे, बट गमला बॉय क्या वो अपनी टीम के लिए सेकंड पोजीशन हासिल कर पाएंगे, क्या उससे पहले कुछ और हमें इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है। सोल क्या वापस से सेकंड पर एलिमिनेट होगी या फिर इस बार 15 के लिए जाएगी? जैसे गेम शुरू होने से पहले बात करी थी कि सोल इस बार सेकंड के लिए सेटल नहीं होगी, एक प्लेयर को डाउन किया है, टीम सोल के खिलाड़ी आगे मूव कर रहे हैं, अक्षत, ओमेगा और हेक्टर, ये तीनों खिलाड़ी 15 पॉइंट लेना चाहते हैं, बट द सर्कल इज एक्चुअली पुशिंग एक्सो फॉरवर्ड एज वेल, दिस माइट जस्ट बी बैड। अक्षत के पास अगर एक थ्रोएबल हुआ दिक्कत हो सकती है, इनफैक्ट थ्रोएबल हेक्टर की साइड से भी आ रहे, अक्षत भी अब थ्रोएबल का इस्तेमाल करेंगे, उनका मोलोटॉफ फियस को लेकर के जाता हुआ, बट उनके भी ऊपर एक ग्रेनेड आया था एक्सो के सेंसे का, अब दिक्कतें बन चुके हैं इमोर्टल सेंसे और पंक, तीनों प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, अक्षत बिल्कुल साइडलाइंस पर 40 HP के साथ, हेक्टर द सपोर्ट प्लेयर द परफेक्ट सपोर्ट विल बी एबल टू गो फॉर इट, आई मीन वो साइडलाइन से मूव करें, उनकी लोकेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता चल चुका है, अक्षत को डाउन किया मतलब हेक्टर है आखिरी, और उनके बारे में भी पता चल चुका है उनका पीक थोड़ा दिक्कत दे गया है, एक आखिरी गोली लगे अगेंस्ट था, बट अभी के लिए जोनाथन इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग। केविन की बात करें, जस्टिन 5 फिनिश ले चुके हैं अभी तक, इनके पास 2 प्लेयर बचे हैं, वहीं पर रॉबिन भी खेल ब्लू जोन का डैमेज खा रहे हैं, या तो वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में मुझे दिख रहे हैं, बट एक्सो जोनाथन के जस्ट ऊपर 2 प्लेयर है सेंसे एंड पंक, अगर इन्होंने यहाँ पे जॉनी को स्पॉट करा तो फायदा उठा सकते हैं, बट ईस्पोर्ट्स सेंसे ने मेरे स्पॉट कर लिया जोनाथन को, इन पर टीपीपी लेने का मौका तक नहीं देंगे और जॉनी हो गए बाहर, अब यहाँ पर एक्सो को हराना इम्पॉसिबल बन चुका है। सोमराज लास्ट गेम के अंदर सेनॉट के अंदर गमला बॉय ने #3 दिलाया था, यहाँ पर सोमराज अगर #2 भी ले आ पाए पोजिशन पॉइंट ढेर सारे कमा लेंगे वो। एक खिलाड़ी बचने वाला है, स्काईलाइट्स का एक खिलाड़ी बचा हुआ है, जैसे कि आप, बट अगर प्लेयर्स एक एक करके आए तो सोमराज भी फिनिश निकालने की कोशिश करेंगे, पता चल चुका है कि प्लेयर कहां पर है और बिल्कुल बाहर जा रहे हैं, सोमराज के पास एक पोटेंशियल फिनिश हो सकता है क्योंकि वहां पर जोन का डैमेज खाया जा रहा है, लेकिन सेंस से दूसरी साइड से शॉट्स ले रहे हैं, क्या ये आईजीएल को खत्म करेगा, लेकिन उससे पहले सोमराज एक्सोपियस को पिक करते हैं, उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम हो के चांसेस है, 8 भी एक्सो के हैं, बट स्काउट ने वहीं पर सेंसे को नॉक कर एक अच्छी खासी एडवांटेज बना ली 8 बिट के लिए, क्या यहां पे स्काउट 8 बिट की थोड़ी मदद कर रहे हैं ये तो हमें टाइम ही बताएगा, बट संयम पे शॉट करने की कोशिश, टैप कर रहे हैं एक एक बुलेट कर यहां पे संयम को नॉक करने की कोशिश, बट संयम को रियलाइज कर देना चाहिए था कि बगी का जो नीचे वाला एरिया है वहीं से वो बुलेट उनकी तक पहुंच पा रहे हैं, बट स्काउट क्या अपने प्लेयर को रिवाइव करेंगे ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य रहने वाला है, यहां पर सीधा स्लैमिंग करेंगे सेंसे की तरफ और उनको रिवाइव देंगे, बट स्काउट बैक टू बैक दोनों निकाल चुके हैं, इससे पहले सेंसे को शिकार बनाया था अब फियर्स को, अब एक्सो भी शायद यहाँ पे विक्टिम बन सकती है, बट स्काउट सीधा बगी उठाएंगे अपने प्लेयर के पास जाएंगे, उनको पता है कि मैन एडवांटेज मेंटेन रखना हद से ज्यादा जरूरी, बट मुझे एक बहुत बड़ा अंदेशा लग रहा है कि अगर TX के सपने कोई तोड़ सकती है दैट इज गोइंग टू बी टीम 8-bit। Maybe team Skylights, I mean, depend करता है revival के बाद ये players circle में कितनी देर तक आते हैं, वो एक बड़ा सवाल। Skylights मुझे लगता है from around the zone ये लोग move करने वाले हैं, उसके कारण team इस बात को थोड़ी सी मुश्किलें हो जरूर सकती हैं। 100 scout को spot कर चुके, थोड़े बहुत shots उन्होंने लिए जरूर, but then again कोई connection अभी के लिए नहीं बना पाए, वहीं पर OG भी survive करी, no doubt players उतने नहीं है, but still उनको circle के around अपनी movements देखनी पड़ेंगी। Ash, Drigger, they're trying everything, जो कुछ भी उनसे बन पड़ेगा यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। Punk काफी करीब, Immortal आए हैं, उनको move out करना है। Gamla Boy उनके पर एक शॉट कनेक्ट हुआ था 8-bit 20 का, बट दे आर स्टिल ट्राइंग, बट सर्कल, ये सर्कल बहुत बड़ी गेम खेलने वाला है, ये वाला सर्कल का मूवमेंट बहुत ज्यादा दिक्कत भरा हो सकता है। फियर्स ने वहीं पर सेम को फिर से नॉक किया है, स्काउट अभी भी सर्वाइव करने वाले हैं लेकिन उनकी एचपी थोड़ी सी कम है, इस मौके पर अगर उठ गए तो दिक्कतें उनके लिए बन सकती है। एक्सो हैज अ जोन फॉर देमसेल्व्स, ओजी की बात करें उनको भी साइडलाइन से शॉट्स पड़ रहे हैं, एक्सो के फियर्स अब ऊपर बैठना खतरे से खाली नहीं होगा, बट स्काईलाइट्स आर मूविंग फॉरवर्ड अगेंस्ट 8-bit, दे माइट जस्ट क्रिएट अ डेमोलिशन ऑल अराउंड हियर, वहीं पर पुकार उनके ग्रेनेड्स 8-bit को खत्म करते नजर आएंगे, इनफैक्ट जूसी को डाउन किया है, बट नॉक को फिनिश का कंफर्मेशन स्काईलाइट लेने की कोशिश जरूर करेगी। यहां पे फायदा होने वाला है एक्सो को, क्योंकि एक्सो शायद हमारी पहली टीम बनेगी मास्टर सीरीज की जो हैट्रिक चिकन डिनर यहां पे निकाल पाएगी। पंक वहीं पे सेम को फिनिश करेंगे और फियर्स यहां पर स्काउट को एक फेवर बैक करेंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले वहीं पे नॉक आया था। स्कारलेट भी काफी ज्यादा भारी हो चुकी है, 8-bit को यहाँ पे नॉक कर दिया, पुकार ने कंफर्म करा मैडमैन का यहाँ पे फिनिश और टीम 8-bit इज गेटिंग एलिमिनेटेड एट 4th पोजीशन, उनके बाद 95% HP पर यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, बट देन इनको स्पॉट करके
आगे की फाइट कैसे ली जाएगी। यू नो कास्टर जिंक्स बोलते हैं कि सारे खिलाड़ी इन्हीं एंगल्स पर देख रहे हैं और वो सारी फाइट्स लेकर के जा सकते हैं। ऐसे में कपला भाई को डाउन किया जाएगा सेंसे के द्वारा, दो फिनिशर्स उनके पास आ चुके हैं। पुकार शायद अगला शिकार बन सकते हैं। ऐश उनको जोन का भी डैमेज पड़ रहा है और वो भी धीरे धीरे आगे की तरफ को आ रहे हैं, उनके लिए भी मुश्किलें थोड़ी बहुत बन सकती है। सेंसे एक और बार डोमिनेटिंग स्प्री के अंदर आ चुके हैं। पिछले गेम की शेड्स हो गई जहां पर सर्कल सोमराज के पास चले गए, बट देन वो एक इकलौते खिलाड़ी थे तो वो करते क्या, पूरी सिचुएशन उनके बिल्कुल विपरीत थी। एक सौ की मॉडल गाड़ी लेकर के मूव करना शुरू कर चुके हैं। पहली गाड़ी जाएगी पुकार के ऊपर, वो गाड़ी और आगे जाएगी सीधा ऐश के ऊपर। ऐश वहां पर डाउन नहीं हुए थे, बट एक्सो रूलिंग ओवर सानोक, रूलिंग ओवर मिरामार, रूलिंग ओवर रैंगल। 1, 2, 3, 45 पॉइंट्स कमिंग अप फॉर देमसेल्व्स एंड दे आर डेफिनेटली एंजॉयिंग दिस डे। 45 पॉइंट तो बस पोजीशन के हो गए भाई, फिनिश पॉइंट कौन गिनेगा, और उन्होंने बना लिया था।